किसी भी इंजन का मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी का एस्टिमेट मिल जाता है रिवर्सिबल हीट इंजन जो दो टेंपरेचर्स के बीच में ऑपरेट करता है उसी को हम कार्नो इंजन बुलाते हैं सो लेट्स सी कि कार्नो साइकिल दिखता कैसे है इस एनालिसिस में हम एक आइडियल गैस को वर्किंग सब्सटेंस की तरह ट्रीट करते हैं एंड लेट्स ड्रा द पीवी डायग्राम फॉर इट सो स्टेट 1 सो स्टेट 2

अब इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम विल बी इक्वल टू वर्क डन क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी चेंजेस जीरो क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता सो वर्क डन इन दिस प्रोसेस Q1 के बराबर है विच इज नथिंग बट आइसोथर्मल वर्क विच इज म्यू आर टी वन लॉन सो फर्स्ट स्टेप में दिस इज द वर्क डन अब इसके बाद सिस्टम मूव फ्रॉम टू टू थ्री तो 3 का प्रेशर P3 है और वॉल्यूम V3 है अब 2 टू 3 का जो प्रोसेस है वो एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है तो कार्नो साइकिल में पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है दूसरा प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है एक एक्सपेंशन के बाद दूसरा एक्सपेंशन अब इसकी वजह से द प्रेशर आल्सो चेंजेस एंड द टेंपरेचर आल्सो चेंजेस अब यहां पे रहे हमको so, पहले दोनों स्टेप का वर्क मिल गया अब जो अगला स्टेप है इज बेसिकली मूविंग फ्रॉम थ्री टू फोर अब हम दो एक्सपेंशन प्रोसेस कर चुके हैं अब साइकिल अगर पूरा करना है तो मुझे अभी कंप्रेस करना शुरू करना पड़ेगा सो थर्ड प्रोसेस इज बेसिकली मूविंग इट टू पॉइंट फोर जहां पे प्रेशर पी फोर है और वॉल्यूम वी फोर है और ये जो प्रोसेस है एज यू कैन सी इज अ कंप्रेशन वॉल्यूम कम हो रहा है और ये कंप्रेशन आइसोथर्मल तरीके से होता है तो पहले हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया एक्सपेंशन किया, अब हम आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं थ्री टू फोर जाने में सो द सेम क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है सो पी थ्री थ्री टी टू से वो पी फोर वी फोर टी टू हीट रिजेक्टेड इज नथिंग बट वर्क डन क्योंकि यहां पे क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है डेल्टा यू जीरो होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है सो दिस इज द थर्ड स्टेप का वर्क डन द फोर्थ स्टेप ऑब्वियसली अगर मुझे पहुंचना है मुझे फोर से वापस वन में ही जाना पड़ेगा द फोर्थ स्टेप विल बेसिकली बी एन कंप्रेशन फोर टू वन इस प्रोसेस में टेम्परेचर भी चेंज होगा बट इट विल रीच बैक टू द इनिशियल टेम्परेचर ओनली बिकॉज इट इज गोइंग थ्रू अ साइकिल तो पे वर्क डन विल बी वर्क विलच इज म्यू आर टी वन माइनस टी टू अपॉन ग्यामा माइनस वन सो मुझे अगर नेट वर्क निकालना है द नेट वर्क इज म्यू आर टी वन लॉन वी टू बाई बी वन जो पहले स्टेप का वर्क था प्लस म्यू आर टी वन माइनस टी टू अपॉन ग्यामा माइनस वन जो दूसरे स्टेप का वर्क था प्लस म्यू आर टी टू लॉन बी फोर अपॉन बी थ्री प्लस म्यू आर टी टू माइनस टी वन अपॉन ग्यामा माइनस वन यहाँ पे आप देख सकते हो जो एडाबेटिक वर्क है दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो बेसिकली वर्क जस्ट आइसोथर्मल जो होता है टू अपॉन वी वन प्लसाइकिल्बर इस साइकिल में पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन फिर एक्सपेंशन फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन फिर अडायबेटिक कंप्रेशन होता है और उसका वर्क डन का एक्सप्रेशन ये है उ डू अल ऑफ गैस एट टेम्परेचर थ्री हंड्रेडोथर्मली एक्सपैंड होता है वर्क डन बा गैस वैल्यू ऑफ गैस कॉन्स्टेंट आपको दिया गया है सो दिस प्रॉब्लम इज जस्ट टू गेट यू वॉर्मड अपन कैलक्यूलेटिंग वर्क सोल्यूशन इज प्रेटी ऑब्वियस अगर प्रेशर पी है प्रेशर पी और वॉल्यूम वी का हम ग्राफ बनाएं बिटवीन वन एंड टू तो प्रेशर पी वन इज अनोन वॉल्यूम वी वन इज टू लीटर्स प्रेशर पी टू इज अनोन वॉल्यूम वी टू इज सिक्स लीटर्स एंड दिस इज बेसिकली एन आइसोथर्मल प्रोसेस 300 हंड्रेड इसका टेम्परेचर है नाउ वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम जानते हैं होता है म्यू आर टी वन तो अगर मैं वैल्यूज सब्सटीट्यूट करूं ये हो जाएगा पॉइंट फाइव मोल्स इंटू एट पॉइंट थ्री वन जो आर की वैल्यू है थ्री हंड्रेड केलविन जो टी वन की वैल्यू है लॉन सिक्स टू वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने पे द वर्क आउट टू बी पेन्स नाइन किलोजूल तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वर्क पॉजिटिव है विच इज एक्सपेक्टेड क्योंकि यहां पे एक्सपेंशन हो रहा है दैट मीन वर्क इज डन बाई द गैस तो चलिए अब कार्नो साइकिल की एफिशिएंसी निकालते हैं फॉर द कार्नो सी होता है डब्ल्यू बाई क्यू वन अब वर्क डन का एक्सप्रेशन हमने थोड़ी देर पहले निकाला थ्री बाई बी फोर और क्यू वन था इट वॉज इक्वल टू डब्ल्यू वन विच वॉज म्यू आर टी वन लॉन वी टू बाई वी वन अब इस एक्सप्रेशन में म्यू आर को मैं अगर कैंसल आउट कर दू न्यूमोनेटर और डिनोमिनेटर से सो आई बेसिकली गेट W by Q1 is T1 V2 by V1 minus T2 V3 by V4 तो तो पे मुझे बस चाहिए मैं और को कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा अब क्योंकि प्रोसेस टू टू थ्री कार्नोसाइकल में एडियाबेटिक था जो सेकेंड प्रोसेस था वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन था हम जानते हैं होता है

ज so, करें और इक्वेशन वन में पुट करेंट लॉन वी टू अपॉन वी वन कॉमन आ गया न्यूमिनेटर और नॉमिनेटर में तो so, उसको भी कैंसिल किया जा सकता है तो so, मेरा एफिशियंसी हो जाता है उसको कैंसिल करने के बाद टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन दफिशियंसी ऑफ अ कार्नो इंजिन Is T1 minus T2 upon टीवन इसको हम T1 को अगर दोनों से डिवाइड करें तो बेसिकली ये बन जाता है 1 minus T2 upon T1. इससे क्लियरली दिख रहा है कि कार्नो की एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है नॉट ऑन द वर्किंग सब्सटेंसेस क्योंकि यहां पे टर्म सिर्फ टेम्परेचर का है देर इज नथिंग अबाउट द वर्किंग सब्सटेंस जो इस फॉर्मूले में आता है तो कार्नो इंजन ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर सो इफ आई वांट टू समराइज द कार्नो साइकिल इनिशियली आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है उसके बाद अडायबेटिक एक्सपेंशन होता है उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है उसके बाद अडायबेटिक कंप्रेशन होता है नेटवर्क ड्यूरिंग द कार्नो साइकिल वॉज म्यू आर टी वन लॉन वी टू बाई वी वन माइनस म्यू आर टी टू लॉन वी थ्री बाई वी फोर और एफिशियंसी ऑफ द कार्नो साइकिल इज वन माइनस टी टू बाई टी वन सो दिस इज